हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल गुड्डू बाजी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SBI का KYC अपडेशन फॉर्म आप कैसे फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में फुल डिटेल में बताने वाला हूं कि आप SBI का KYC अपडेशन फॉर्म कैसे फिलअप कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो में लास्ट तक मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। सो गाइस, बिना देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको SBI KYC अपडेशन फॉर्म में सबसे ऊपर आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा डेट का। जिस डेट में आप KYC भर रहे हैं, KYC फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, उस डेट का नाम यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद आपको ब्रांच नेम का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, जहां पर आपका ब्रांच है आपके पासबुक पर दिया रहेगा, वो ब्रांच यहाँ पर आपको डाल देना होगा। उसके बाद आपको कस्टमर ID में आधार कार्ड संख्या यहाँ पर आपको डालना होगा। अकाउंट नंबर में आपको आपके पासबुक पर जो अकाउंट नंबर दिया है, अकाउंट नंबर है वहां से आपको यहां पर डालना होगा। उसके बाद आपको आता है पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल में आपको यहां पर नेम में आपको जो आपके पासबुक पर दिया है, वो पासबुक पर जो आपका नाम दिया है, यहां से आप अगर आप लेडीज हैं तो आपको मिसेज करके डालना होगा अपना नाम। अगर आप जेंट्स हैं तो आपको मिस्टर करके आपको अपना नाम डाल देना होगा। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। आधार कार्ड पे आपको जितना आपका डेट ऑफ बर्थ दिया है यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद आपको जेंडर में अगर आप मेल है तो आपको यहाँ पर टाइप करना है, फीमेल है तो आपको यहाँ पर टाइप करना है, अगर आप ट्रांसजेंडर हैं तो आपको यहाँ पर टाइप कर देना होगा। उसके बाद आता है मैरिड स्टेटस, यानी आपका शादी हुआ है तो आपको यहाँ पर टाइप करना है, अगर नहीं शादी हुआ है, अनमैरिड है तो आपको यहाँ पर टाइप कर देना होगा, अगर आप अदर्स हैं तो आपको अदर्स भर भी टाइप कर देना होगा। उसके बाद आता है नेम ऑफ फादर्स, यानी अगर आपके हस्बैंड का नाम यहाँ पर दिया है तो आपको हस्बैंड का नाम यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद अगर आपके फादर्स का नाम यहाँ पर दिया है आपके आधार कार्ड पर, आपको मिस्टर करके आपको अपने फादर्स का नाम यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद आपको सबसे नीचे जाना है, यहाँ पर ये सारा चीज स्टेप छोड़ देना है। उसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा आपको मंथली इनकम, अगर आपका मंथली इनकम जितना है आपको यहाँ पर मंथली इनकम डालना होगा। उसके बाद आपको रिलीजन, यहाँ पर आप देख सकते हैं रिलीजन, आप हिंदू हैं तो आपको यहाँ पर टाइप करना है, मुस्लिम है आपको यहाँ पर टाइप करना है, क्रिश्चियन है आपको यहाँ पर टाइप करना है, सिख है आपको यहाँ पर टाइप करना है। अगर इस जाति में, इस रिलीजन में आप किस कैटेगरी में आते हैं, अगर आप कैटेगरी में जनरल में आते हैं तो आपको यहाँ पर टाइप करना है, OBC में आते हैं आपको यहाँ पर टाइप करना है, SC में आते हैं आपको यहाँ पर टाइप करना है, ST में आते हैं आपको यहाँ पर टाइप कर देना होगा। उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यह सारा स्टेप छोड़ देना है। उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्लेस सिटी ऑफ बर्थ, किस सिटी में आपका जन्म हुआ है, यहाँ पर ये पूछ रहा है। आपका जहाँ पर हुआ होगा आप वहाँ पर डाल सकते हैं, मेरा लखनऊ में हुआ, मैं अपना लखनऊ डाला हूँ। उसके बाद आता है कॉन्टेक्ट डिटेल्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना होगा। अगर इंडिया से हैं तो आपको 91 करके, उसके बाद यहाँ पर 0 भी आप लिख सकते हैं, 091। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद आपको एक ईमेल ID का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, यहाँ से अपना ईमेल ID भी डाल सकते हैं। दोस्तों, ये सारा फॉर्म यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सारा यहाँ पर फिलअप हो जाने के बाद आपको बैंक जाना होगा। बैंक में भी आपको बहुत सारे ऑप्शन भरने को मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट नंबर में आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर सारा चीज यहाँ पर छोड़ देना होगा, इन दोनों को छोड़ देना होगा। उसके बाद आपको एड्रेस डिटेल में आपको अपना ग्राम का नाम डालना होगा। ग्राम के नाम डालने के बाद आपको पोस्ट का नाम डालना होगा। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम डालना होगा। उसके बाद आपको स्टेट का नाम डालना होगा। यहाँ पर एक बार और मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड में आपको दिया रहेगा, आपको सबसे पहले अपने ग्राम का नाम डालना होगा, उसके बाद आपको पोस्ट के नाम डालना होगा, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डालना होगा, उसके बाद आपको स्टेट डालना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सिटी यानी विलेज, अगर सिटी से आते हैं आपको सिटी का नाम डालना होगा, विलेज का आते हैं तो विलेज का आपका नाम डालना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा विलेज है रामपुर 24, मैंने अपना रामपुर 24 डाल दिया है, डिस्ट्रिक्ट कुशीनगर, उसके बाद स्टेट उत्तर प्रदेश, उसके बाद पिन कोड यहाँ पर डाल देना होगा, आपको अपने ग्राम का पिन कोड डाल देना होगा। उसके बाद दोस्तों यही प्रक्रिया यहाँ पर पूछ रहा है आपको 5 में एड्रेस डिटेल में, अगर आप यहाँ पर ये जो यहाँ पर ऊपर डाले हैं वही यहाँ पर भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपको नहीं डालते हैं तो भी कोई बात नहीं, इसे छोड़ देना होगा। उसके बाद आपको नीचे जाना होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट नंबर, यानी डॉक्यूमेंट नंबर का मतलब आधार कार्ड पे आपका जो नंबर दिया है, आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद आपको डेट पूछ रहा है, जिस डेट में आप अपना KYC फॉर्म फिलअप कर रहे हैं यहाँ पर वो डेट डालना होगा। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके आपको एक यहाँ पर फोटो लगाना होगा, फोटो लगाने के बाद आपको सिग्नेचर करना होगा। सिग्नेचर करने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं प्लेस, यानी प्लेस किस स्थान पर हैं आप, किस स्थान पे अपना KYC फॉर्म अपडेट कर रहे हैं, यहाँ पर उस स्थान का नाम डालना होगा। उसके बाद आपको
डेट भी डालना होगा। डेट डालने के बाद आपको अपना आधार कार्ड का जो फोटो कापी होता है इसके साथ लगाना होगा। उसके बाद आपको एक पासबुक का फोटो कापी लगाना होगा। उसके बाद आपको अपने बैंक में जमा करके फिंगर लगा के आप अपना KYC अपडेशन फॉर्म फिलअप करके अपना KYC करा सकते हैं। दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।